हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट्स 22 मार्च 2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जो भी प्रश्न होंगे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और साथ में उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमें ये क्वेश्चन भेजे हैं, जैसे कि अरुण जी, विपिन जी, मोहित जी और राजकिशोर जी। इनके अलावा और भी लोग जो भेजे हैं, ये मुख्य रूप से लिख कर भेजे थे, इनको धन्यवाद। और आप सभी को धन्यवाद कि चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, और जो लोग अभी चैनल पर नए होंगे तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नोटिफिकेशन आप पाते रहें। देखिए, मेरा एग्जाम होने की वजह से 22 मार्च की सेकेंड शिफ्ट की एनालिसिस मैं आप लोगों को नहीं दे पाया था, जिसकी वजह से आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, तो मैं सोचा क्यों ना बना दूँ। लेट हो चुका है, बनाने का मन नहीं था, फिर भी आप लोगों का कमेंट देख कर मुझे ये बनाना पड़ रहा है दोस्तों कि आप लोग भी मिला लें। चलिए, तो 22 मार्च जो 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह कहाँ है? तो ये ईरान में है। किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो ये संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में आईपीएल कब शुरू हुई है? ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो भारत में आईपीएल, याद रखिए, जब भारत में आईपीएल की शुरुआत कब हुई? 2008 से हुई है। कब से हुई है आईपीएल की शुरुआत? 2008 से। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो कौन सा दर्रा है ये पूछा था, तो आपके पास जो भी ऑप्शन होगा, रोहतांग दर्रा या शिपकला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश की मुख्य दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो मैरी काम किस खेल से संबंधित है, ये पूछा था, तो मैरी काम जो गेम है ये मुक्केबाजी से संबंधित है। मैरी काम किससे संबंधित है, खेल से? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 किस महिला को कुश्ती में मिला हुआ है? तो देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है, सबसे पहले राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 जो मिला हुआ है ये विनेश फोगोत को मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे रोहित शर्मा को भी राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 मिला हुआ है। नेक्स्ट, आप लोग को क्वेश्चन जो आया था, ये काफ़ी लोग कमेंट किए थे कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल पूछा था, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कर्नाटक तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ पे है कावेरी नदी का उद्गम स्थल? कर्नाटक में है। नेक्स्ट, नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? रिटर्न कर दिए थे नाइटहुड की उपाधि जो मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, ये लौटा दिए थे। अगला जो क्वेश्चन आया था, दिया था जनधन योजना कब शुरू हुई? तो जनधन योजना कब से शुरू हुई है? 28 अगस्त 2014 से जनधन की योजना शुरू हो गई, पूरे देश में लागू हो गया था। संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान के आत्मा यानी कि प्रस्तावना को कहते हैं आत्मा, ठीक है। संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को, यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है, या प्रस्तावना को भी संविधान का आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट, एक जूल में कितना अर्घ होता है? तो याद रखिए, 1 जूल में 10^7 अर्घ होता है। तो ये क्वेश्चन था कुछ ऐसे ही, या एक अर्घ पूछा होगा, तो एक अर्घ का याद रखिएगा 10^-7 जूल होता है। क्या होता है? एक अर्घ में 10^-7 जूल होता है। और 1 जूल में यदि पूछे तो क्या होता है? तो 1 जूल में होता है 10^7 अर्घ होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, मौलिक अधिकार से आया था, मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा था, तो मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, तमिल भाषा से के लेखक का नाम पूछा था, तो यहाँ ऑप्शन नहीं मिला था, इस वजह से मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन दिए होते तो हो जाता, क्योंकि तमिल भाषा में बहुत से लेखक हैं। अब उन्होंने कौन सा पूछा था आप लोग जान रहे होंगे, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, CDMA का फुल फॉर्म पूछा था, जो कि कंप्यूटर से था, तो हमेशा कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखने को मिल जा रहा है। जिन लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो वो कंप्यूटर का फुल फॉर्म देख लेंगे, आपको प्लेलिस्ट में जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट, तरल कोलाइडी विलयन कौन है? तो तरल कोलाइडी विलयन मिल्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक, देखिए तरल कोलाइडी विलयन जो हेट्रोजीनियस होते हैं उनको बोला जाता है। अब बोलेंगे कि मिल्क तो होमोजीनियस होता है, लेकिन मिल्क में जो उसके पार्टिकल होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये 1 होता है। दिया है नेशनल चिकित्सा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन भी आया था, तो नेशनल चिकित्सा मंत्रालय जो आता है स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बेसिक से है, बेसिक का फुल फॉर्म, बेसिक का जो फुल फॉर्म होता है बेगिनर आल पर्पज, बेगिनर ए से आल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, बेसिक का फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, 42वें संविधान संशोधन से आया था, देखिए 42वें संविधान संशोधन में अखंडता 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, फ्रांस से लिए गए शब्द कौन कौन से थे? संविधान से ही क्वेश्चन है ये भी, तो फ्रांस से लिए गए शब्द अखंडता और संप्रभुता
जो कि फ्रांस से लिया गया था, फ्रांस देश से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रीजनिंग से दिया था, अगस्त को कूट भाषा में TSUGUA लिखा जाता है, तो उसी कोट भाषा में संडे को लिखा जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ए को क्या कर दिया है, देखिए अगस्त को जो लिखा गया है ना, तो अगस्त में जो ए है, ए को सबसे किनारे, ए को उसके बाद, जी को उसके बाद, एस को उसके बाद, ना टी, देखिए जो चीज़ टी एकदम लास्ट में, तो टी को सबसे पहले, ए उसके बाद एस, फिर यू, फिर जी, फिर यू, फिर ए, ऐसे लिखा गया है। तो वैसे ही संडे का भी हो जाएगा, वाई ला दीजिए सबसे इधर, फिर ए ला दीजिए, डी ला दीजिए, एन ला दीजिए, यू ला दीजिए, एस ला दीजिए, ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, बिल्कुल इजी था रीजनिंग वाला क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन था मैथ से था, मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए, दिया एक 40 मीटर लंबा टावर के शीर्ष किसी बिंदु एक से 45 अंश का कोण बनाता है, क्या बनाता है, 45 अंश का कोण बनाता है शीर्ष से। ये मान लीजिए कि कोई बिंदु x है और यहाँ पे उसका शीर्ष है टावर का, ये टावर है, ये क्या है, टावर है, और टावर की ऊंचाई कितना है, 40 मीटर है। तो अब टावर जो है 40 मीटर है और x बिंदु से कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश का कोण बना रहा है, टावर की ऊंचाई 40 मीटर है। तो अब आपको बताना है एक से ए की दूरी, क्या बताना है, एक से टावर के शीर्ष की दूरी बताइए, यानी कि ये दूरी आपको बताना है, ये वाला। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, ये दूरी पूछा है तो ए एक्स बटा में ए बी कर लीजिए, ए एक्स बटा में ए बी, क्योंकि ए एक्स आपको निकालना है, ए बी ऑलरेडी 40 दिया हुआ है। तो देखिए ए एक्स अपान ए बी, ये किसका होता है, कोशेक 45 अंश, किसका होगा, कोशेक 45 अंश का। अब ए एक्स का फॉर निकालना ही है, ए बी इधर चला जाएगा तो ए बी इंटू कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 45 की वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। अब रूट टू से ऊपर नीचे परिमेयकरण करिए तो 40√2/2 नीचे हो जाएगा, अब 2 से 40 कट जाएगा तो 20√2 आ जाएगा, और रूट टू का वैल्यू होता है 1.41, जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आया था सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 162, यानी कि देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो जाए 180 के बराबर हो जाता है, वही सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो देखिए 180 में से क्या करिए, 162 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 7, और 7 में से 6 गया 1, यानी कि 18, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 162 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एक कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, यदि कोई एंगल, दो एंगल का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री दो कोणों को जोड़कर होना चाहिए और कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए 90 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ था, उसका परिधि यानी कि परिमाप पूछा था। तो क्या होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, जैसे ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, तीनों 15-15 होंगे, तो इसका परिमाप, मतलब इसके परिमाप यही है, इसी को परिधि भी बोलते हैं। तो ये परिमाप पूछा था, देखिए 15 15 30 15 45 इसका परिधि कितना हो जाएगा, परिमाप 45 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आया है सॉफ्टवेयर से था कि निम्न में से सॉफ्टवेयर कौन नहीं है, ये पूछा था, सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोबोल जो होता है ये सॉफ्टवेयर नहीं होता है, बाकी जो ऑप्शन था जैसे कि एंड्रॉयड था या फिर लिनक्स था या डॉस था, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप सबको पता है बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये फिजिक्स से कि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर होता है। अगला जो क्वेश्चन आया था सिनोनिम से आया था, कन्वेंशनल का सिनोनिम पूछा हुआ था, तो जो भी आपके पास ऑप्शन में मिला होगा कॉमन करंट यूजुअल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कन्वेंशन का। अगला जो क्वेश्चन आया था दिया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल टेकन फ्रॉम, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया था। नेक्स्ट है गदर वाज इस्टेब्लिशिंग, गदर जो है ये कब बनाया गया था, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 15 जुलाई 1913 में हुआ था, यानी कि 1913 में, और इसके लीडर कौन थे, लाला हरदयाल थे, ठीक है। तो गदर कब स्थापित किया गया था, 15 जुलाई 1913 को। अगला जो क्वेश्चन है कौन सा तत्व ए यू यानी कि AU यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ओरुनम होता है, तो AU किसका सिंबल है, गोल्ड का सिंबल, किसका सिंबल है, गोल्ड का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर जो कि आपको क्वेश्चन ये देखने को मिले मैथ से है, जो कि कार्य समय से है, ठीक है। तो हर एक हमने एनालाइज किया तो टाइम एंड वर्क हमेशा पूछा है, परसेंटेज का क्वेश्चन हमेशा पूछा है, यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन आप लोग नहीं भेजे हैं, हो सकता है आप लोगों को याद नहीं होगा,
कोई बात नहीं, जितना भी क्वेश्चन मिला है मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। दिया है कि ए किसी कार्य को 26 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 39 दिन में कर सकता है, तथा सी उसी कार्य को 52 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए बी तथा सी, यहाँ पे सी होना चाहिए, ए बी तथा सी तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में होगा, यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए कितने दिन में करता है, 26 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 39 दिन में, और सी कितने दिन में करता है, 52 दिन में। अब इनका टोटल आप तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 13 × 2 × 2 × 3, यानी कि देखिए तो ये हमारा एलसीएम निकल कर आएगा 156। अब देखिए करना क्या है, तो अब यहाँ पे हमें वन डे में एक कितना यूनिट, देखिए टोटल यूनिट करना है कितना, 156 यूनिट। तो ए जो 26 दिन में कर रहा होगा तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, तो ये 6 यूनिट कर रहा होगा। ऐसे बी 39 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 156 से जब भाग देंगे तो 4 यूनिट पर डे आएगा, तभी 4 यूनिट पर डे होगा, तब ये 39 दिन में 156 यूनिट कर पाएगा। ऐसे ही 52 है तो ये 52 दिन में करता है तो कितना यूनिट करेगा, 52 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखिए ये एक दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं, ए 6 यूनिट कर रहा है, बी 4 यूनिट कर रहा है और सी 3 यूनिट कर रहा है, तीनों को ऐड कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, यानी कि एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, ए और बी और सी 13 यूनिट करेंगे। तो अब जो हमने एलसीएम निकाला हुआ है उसको 13 से डिवाइड करेंगे, ये 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 × 6 × 12, यानी कि 12 यूनिट। जब 13 से 156 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 दिन आएगा, यानी कि ए और बी और सी ये तीनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 12 दिन में वर्क को कंप्लीट कर देंगे यदि तीनों साथ करते हैं तो। अगला जो क्वेश्चन आया था CISI से आया था, देखिए CISI भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस भी इंपॉर्टेंट है, टाइम इन वर्क, एवरेज, पार्टनरशिप रेशियो, हर एक डाटा में देखने को मिला है। फिर आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम जैसे LCM, HCF वगैरह या डिविजिबिलिटी रूल से भी क्वेश्चन बने हैं। आप तक अभी जो मुंबई वाले हैं उनका एग्जाम नहीं हुआ है तो वो लोग क्या करें कि अपनी जो मैं सिलेबस बताया हूँ उन सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी कर लें, काफ़ी अच्छा आप लोगों का एग्जाम जाएगा। चलिए CISI का क्वेश्चन था, दिया था CI और SI के बीच का अंतर 595 है 2 वर्ष में, और उसका मूलधन जो है मूलधन दिया हुआ था 59,500 है, तो ब्याज का दर ज्ञात करना था। तो कुछ नहीं करना है, देखिए जब भी 2 वर्ष का अंतर दे CI और SI में तो डिफरेंट इक्वल टू होता है P × R/100 का स्क्वायर, यानी कि पी मतलब मूलधन, आर मीन्स रेट यानी कि ब्याज। तो डिफरेंट कितना दिया हुआ है, 555 दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है तो 59,500 दिया हुआ है, और आर हमें ज्ञात करना है तो R/100 हो गया। अब देखिए करना क्या है, 595 से 595 कट जाएगा और तो एक बार में, और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो ऐसे यानी कि 100 हो जाएगा, तो 1/100 आ गया। अब करना क्या है, अब 100 को यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर रहने दीजिए, और 100 से 100 क्या हो जाएगा, 100 कट जाएगा, 1 ही 100 बचेगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100, तो आर इक्वल टू √100, तो आर इक्वल टू 10 आंसर आएगा, यानी कि रेट परसेंटेज क्या होगा, यहाँ पे ब्याज की दर क्या होगी, 10% होगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन हमें मिले टोटल यहाँ पे हम आप लोगों को 32 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया हूँ, जो कि आपको क्वेश्चन आए हुए थे 22 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए जो चैप्टर दिया हुआ है उनके हिसाब से। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो वो देखकर अपना एनालाइज करें और पता लगाए कैसे एग्जाम हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।